जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का जो दूसरा टाइप होता है MAT टाइप लैंप के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके हम बनावट तथा कार्य विधि को भी देखेंगे। क्योंकि इससे पहले जो है ना प्रीवियस क्लास में हम AMA टाइप लैंप के बारे में बता चुके थे, आज हम MAT टाइप लैंप के बारे में बताएंगे कि मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप के बारे में। क्योंकि इसका बनावट को सर्वप्रथम देख लेते हैं कि दोनों का बनावट लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा MAT टाइप में। तो ये MAT टाइप लैंप में भी हम लोग क्या करते हैं, 2x कांच का ट्यूब लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये 2x कांच का ट्यूब एक बाहरी हो गया, एक ये और एक ये दूसरा, 2x कांच का ट्यूब लेते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मुख्य इलेक्ट्रोड इसमें दो लेते हैं, जो आपका टंगस्टन का बना रहता है। ये आपका टंगस्टन का बना होगा, ये टंगस्टन का बना होता है, यानी सिर्फ वो सिर्फ इसमें MAT टाइप में दो ही मुख्य इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड नहीं लेते हैं। फिर इसमें देखिए, इसके साथ सिर्फ एक क्या होता है, एक टंगस्टन फिलामेंट ऐड हो जाता है। चूँकि यहाँ पर नाम है MAT, यानी मरकरी आर्गन के साथ हम एक टंगस्टन लेते हैं, जो ये टंगस्टन का फिलामेंट है। इसमें हम ना तो कोई स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लेते हैं और ना ही कोई हम इसमें प्रतिरोध लेते हैं। इसमें एक क्या होता है, एक थर्मल स्विच लगा होता है एक्स्ट्रा, इसमें जो आप देखेंगे एक थर्मल स्विच और टंगस्टन फिलामेंट, और सारा कंस्ट्रक्शन MA टाइप का होगा। इसमें हम किसी भी प्रकार का चौक यूज नहीं करते हैं, ना ही कोई कैपेसिटर यूज करते हैं। हम इस लैंप को AC और DC दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं, यही इसका क्या है मेन बनावट है। यानी मेन बनावट में हम एक एक्स्ट्रा इसमें थर्मल स्विच और एक टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं। तब चलिए इसका कार्य विधि को देखते हैं। इस ये कार्य विधि में हम यहाँ क्या करते हैं, AC अथवा DC दोनों में से कोई सप्लाई देते हैं, या शुरू में जब हम इसमें AC सप्लाई या DC सप्लाई देते हैं तो नॉर्मल फिलामेंट लैंप के तरह ये कार्य करता है। ये नॉर्मल फिलामेंट के तरह कार्य करेगा, और जब ये टंगस्टन फिलामेंट हीट हो जाएगा तब इसके हीट से ही हमारा ये जो यहाँ पे मुख्य इलेक्ट्रोड है ये भी क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। जब ये लैंप पूर्ण प्रकाशित हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे थर्मल स्विच क्या होता है कि कट जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। जब ये ऑफ हो जाएगा तब ये जो टंगस्टन फिलामेंट एक चौक तथा ब्लास्ट के रूप में कार्य करता है, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। और इस लैंप को हम जो है ना कहीं भी यूज कर सकते हैं,